आज हम लोग क्लास 11 पाठ 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत की प्रश्नावली 4.4 4.1 का प्रश्न नंबर 18 से करेंगे। इसके पहले के प्रश्नों को हमने पहले के वीडियो में कवर किया है, तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 18 को हल करेंगे। तो देखिए इसके करते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम लोग करते आए हैं, पहले पूरे कथन को हम पीएन मान लेंगे। तो लिखा पीएन और इसको हम पूरा लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + n लेस देन 1/8 2n + 1 के घात 2, ठीक ना। तो इसको पहले हमने pn बराबर ले लिया, अब लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो 1 के लिए क्या करेंगे हम, n का मान रखेंगे तो हो जाएगा p1 हो जाएगा p1। और देखिए जैसा कि बाएं पक्ष में हम बोले हैं कि बाएं पक्ष में n बराबर होता है पदों की संख्या, तो n बराबर 1 लिया है तो हम पहला पद ले लेंगे, तो 1 हो गया, ठीक ना। ग्रेटर देन लेस देन 1/8 और यहाँ पर हम n का मान रख देते हैं, 2 + 1 = 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना। इसको अगर हल करेंगे तो जाएगा 1 = 2 + 1 = 2 और 1 = 3, 3 का वर्ग 9, 9/8। तो देखिए ये बराबर चिन्ह नहीं आएगा, छोटा का, तो ठीक है 9/8 से ये वाकई में छोटा है भी ये एक, ठीक ना। जैसे अगर आप 9/8 को अगर आप भाग दीजिएगा तो ये जाएगा 8 + 8 = 9 और 2 = 10 = 5, ठीक ना। तो ये लगभग इतना आया, तो ये जगह देखिए सही है, इससे हमको प्राप्त होगा 1 = 1.125 से, ठीक ना, 1 = 2 = 5 से। तो हम लिखेंगे जो कि सत्य है, जो सत्य है, ठीक ना। n बराबर 1 के लिए हमको बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गया। हम अब इसको k के पदों में लिखेंगे, माना लिखते हैं कोई धनात्मक पूर्ण या धन पूर्णांक, माना लिख लेते हैं कोई धन पूर्णांक k के लिए, k के लिए या तो यहाँ पर मान सकते हैं चाहे तो आप यहाँ माना लिख सकते हैं, के लिए p के सत्य है, ठीक ना। तो हम इस पूरे पद को या कथन को k के रूप में लिख लेंगे, तो लिखते हैं p के 1 + 2 + 3 + n के स्थान पर k रख देंगे, लेस देन 1/8 2k + 1 = 2। तो ये हमने के पी के लिए सत्य लिखा, अब हम लिखेंगे मान, अब हम सिद्ध करेंगे p k + 1 सत्य है, ठीक ना। तो के स्थान पर अब हम k + 1 रखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम p k + 1 और यहाँ से यहाँ तक तो देखिए k पद है, तो हम इसको पहले पूरा लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + ये k हो गया, ठीक ना। अब हमको k + 1 पद चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, n के स्थान पर k + 1 पद भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा k + 1, ठीक ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक k पद है और ये है k + 1वां पद, तो जब पूरा मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, k + 1 पद हमको प्राप्त हो गए। ये हमको लिखना लेस देन 1/8 और 2 ये हो जाएगा k + 1 + 1 = 2, ठीक ना। तो देखिए अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए k + 1 + 1 ये मतलब इसको हल करेंगे तो 2k + 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम हल करके लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 2k + 3 = 2, ठीक ना, 2k + 3 = 2। देखिए इसको जैसे यहाँ पर रखा था 2 और ये k + 1 था, प्लस 1,
ठीक ना, ये था, तो इसको हम हल किए हैं, तो ये आ गया 2, 2, 2 और 1, 3, ठीक ना, तो ये आ गया। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, देखिए ये हो गया हमारा, ये समीकरण मिला हमको। अब देखिए हम इसको, अगर हम इसमें k प्लस वन अगर हम पद जोड़ें, ठीक ना, इसमें अगर हम दोनों पक्षों में k प्लस वन पद जोड़ के अगर हम एक और कथन लिखना चाहें तो देखिए किस प्रकार का प्राप्त हो जाएगा। देखिए ये रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस, देखिए ये रहा k प्लस, ये k प्लस वन आया, ठीक ना। हम क्या कर रहे हैं इस कथन में, हम दोनों पक्षों में k प्लस वन जोड़ रहे हैं, तो हमने देखिए इधर भी k प्लस वन जोड़ लिया। अब हम इसमें यहाँ भी इस तरफ जो ये कथन लिखा है, ये 2k प्लस वन होल स्क्वायर प्लस k प्लस वन, ठीक ना, तो ये भी तो हो सकता है। तो देखिए ये वाला कथन क्या किया हमने, k और k प्लस वन, और हमने यहाँ पर k प्लस वन रखा तो ये मान ज्ञात किया, ठीक ना, जैसे अभी तक हम अभी करते आए थे, ठीक ना, k प्लस वन जैसे निकालते हैं। अब देखिए ये कथन भी मैंने कैसे निकाला, क्या किया हमने, इस कथन को लेकर हमने दोनों पक्षों में k प्लस वन जोड़ दिया। तो देखिए बाईं तरफ तो ये बात हो गई, k पद और ये k प्लस वन पद दोनों मिलाकर k प्लस वन पद आ गए, ठीक ना। देखिए जैसे ये यहाँ से यहाँ तक k पद और ये k प्लस वन वा पद, ठीक ना, तो मिला पूरा जोड़ दिए तो कितना आ गया, ये हमको k प्लस वन पद आ गया, ये पद आ गया, ठीक ना। तो बाईं तरफ तो ठीक है, दोनों तरफ सेम आया है। अब देखिए अगर हम इसको और इसको अगर हल करें, ठीक ना, और इसका दोनों का अगर आंसर सेम आए तो हम इसके स्थान पर, देखिए या तो इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं या इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हम इसको अगर हल करें और ये इसके बराबर आ जाए, और इसको हल करें या इसके बराबर है, तो इसका मतलब कि दोनों कथन, मतलब ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो हमको हम इसके बराबर इसको हम तब लिख सकते हैं कि नहीं, ये लेस देन इसी के है ही, ठीक ना। तो हम इसको हल कर लेते हैं पहले, इस प्रकार का ग्रेटर देन और लेस देन का चिन्ह में हमको इस तरह करना होता है। देखिए इसको हम ले लेते हैं, देखिए लिखेंगे 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लेते हैं हम लोग, 1/8 ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना, ये हर किसी को फॉर्मूला ज्ञात होगा। 1/8 ये हो गया देखिए 2 × 2 = 4, 4k स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम इधर लिख लेते हैं पहले, 3 × 6 = 6 × 12k प्लस ये 9, तो ये देखिए इसको हल करने के बाद ये आया। इसको भी हम हल करके देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/8 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, ठीक ना, तो इसको हल करेंगे देखिए कितना आ जाएगा। इसका पहले लघुत्तम ले लेते हैं, तो पूरे के बटे में 8 हो जाएगा ये, या तो हम यहाँ पर ऐसे यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8k प्लस 1, ठीक ना। तो पहले तो लघुत्तम लिया, फिर इसको हम 1/8 किनारे लिख लेंगे, इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ भी x प्लस वाई का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक ना, ये हो गया प्लस, इसको आप चाहें तो अंदर ब्रैकेट खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा 8k प्लस 8, ठीक ना, ये बटे में चला गया, ये बटे या 1/8 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/8, ये होगा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 × 4k प्लस 8k प्लस 8, ठीक ना। अब देखिए क्या आएगा, इसको हल कर लेते हैं, तो इसको हल करने के बाद देखिए यहीं पर लिख दे रहे हैं हम, 1/8 ये हो गया 4k स्क्वायर, ठीक ना, और ये 8 × 4 = 12 और प्लस 9 12k प्लस 9, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हमारे ये दोनों आ गया, सेम आया है, इसका मतलब ये कथन इसके बराबर, ये कथन इसके बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक ना, यही मिटा लेते हैं।
इस प्रकार देखिए क्या हमको प्राप्त हो गया, 1 + 2 + 3 पी है ना, के प्लस वन प्लस प्लस के प्लस वन लेस देन 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक, देखिए ये हम कथन ले आए थे, फिर ये हमने दोनों तरफ k प्लस वन जोड़ का हम इसको हल कर लिए, तो इसके बराबर देखिए दोनों के मान सेम आ गया है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख देते हैं, इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो इसके बाद लास्ट में लिख देंगे, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए हमने ये हल कर लिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 है, n+1 n+5 संख्या 3 का एक गुणज है, ठीक ना। देखिए 3 का एक गुणज है, या गुणज या कहिए 3 से विभाज्य है ना, बात वही होता है। तो डिविजिबल बाई कहिए या मल्टीपल बोलिए, ठीक ना, सेम मीनिंग है उसका। तो सबसे पहले माना पूरे कथन को हम देखिए लिखते हैं, पी एन 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 प्लस वन एन प्लस फाइव बराबर 3m लिख लेते हैं, ठीक ना। गुणज है तो अगर 3 का गुणज है तो क्या करेंगे, 3m लिख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आप m का कोई भी मान रखिए, जो संख्या हमको प्राप्त होगी वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है ये, ठीक ना। देखिए जैसे 3m है, अगर हम 1 रखेंगे तो 3 3 से विभाज्य है, 3 × 2 रखिए है ना, m का मान अगर 2 रखे तब भी 3 से विभाज्य है, 3 रखिए 4 रखिए, जो भी संख्या हमको प्राप्त होगी वो संख्या 3 का एक गुणज है, इसलिए हमने इस प्रकार इसको लिख लिया। और हम यहाँ लिख लेंगे, जहाँ m बिलोंग्स टू n, ठीक ना, ये प्राकृतिक संख्या, कोई भी m कोई भी प्राकृतिक संख्या हम यहाँ रखेंगे तो संख्या हमको 3 का गुणज प्राप्त होगा ही, ठीक ना। इसलिए यहाँ जो भी चीज़ हम लिखें उसको हम डिफाइन करेंगे कि क्या चीज़ है। तो हमने अगर यहाँ m लिखा है तो हम इसको लिखेंगे, m एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। तो इस प्रकार हमने पूरा स्टेटमेंट में लिख लिया। अब हम लिखेंगे n = 1 के लिए, ठीक ना, n = 1 के लिए हम लिखेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर n का मान 1 रख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए इसमें पूरा n का मान रख लेते हैं, n 1, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 1 + 5। तो देखिए ये आ क्या रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा 1 × 2 × 6, मतलब ये 12 आया ना, इसको हल करने पर 12 आया। इस 12 को देखिए हम इस प्रकार भी ले सकते हैं, ये हो गया 3m, ठीक ना। मतलब अगर हम m का मान अगर हम यहाँ पर 3 रख दें, 4 रख दें, तो 4 × 3 = 12, ये तो 12 इसके मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे, देखिए जहाँ इसका अब ज़रूरत नहीं है, जहाँ m = 4, ठीक ना, m का मान 4 के लिए देखिए 12 आ जा रहा है। तो अब लिख देंगे जो सत्य है, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा n = 1 के लिए हमने भी सत्य सिद्ध किया। अब लिखेंगे किसी धन पूर्णांक k के लिए
माना पी के सत्य है। तो पूरे पद पूरे कथन को हम के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखते हैं पी के प्लस वन के प्लस फाइव बराबर थ्री। और चूंकि यहाँ पर डी एम लिखे हैं तो हम एम लिख सकते हैं, मगर हम यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं। यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं डी, ठीक ना। फिर यहाँ लिख देते हैं डी क्या है, तो जहाँ डी बिलोंग्स टू एन, मतलब प्राकृतिक संख्या, ये कोई एक प्राकृतिक संख्या है। इसका पहले हल कर लेंगे तो जाएगा के स्क्वायर प्लस के और के प्लस फाइव, ठीक ना, बराबर थ्री डी। अब दो कोष्टक का गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो के थ्री आ जाएगा प्लस फाइव के स्क्वायर प्लस फाइव के स्क्वायर, ठीक ना। इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस फाइव के बराबर थ्री डी। तो ये हो जाएगा के क्यूब प्लस छः के स्क्वायर प्लस फाइव के बराबर थ्री डी, ठीक ना। कुछ किया नहीं, इसको हमने हल कर लिया है, बस यहाँ तक लिख लिया। अब लिखेंगे अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है। तो के प्लस वन देखते हैं इसमें, तो यहाँ लिख लेते हैं पी के प्लस वन। तो ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखिए के प्लस वन, फिर के प्लस टू और के प्लस सिक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा थ्री डी, ठीक ना। इसको हम यम नहीं लिखेंगे, हम इसको डी लिखेंगे, ठीक ना। तो डी हो गया, जहाँ डी यहाँ लिख देते हैं, जहाँ डी बिलोंग्स टू एन, ठीक ना। अब इसको हल करते हैं। देखिए हमको जो हमने के पद लिया था, के प्लस वन के प्लस फाइव, मतलब जो ये हमको आया है इसका हम हेल्प लेंगे यहाँ पर, ठीक ना। तो ऐसे तो हेल्प देखिए, यहाँ अगर इसकी बात करें तो के प्लस वन के प्लस फाइव यहाँ कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने इस प्रकार ओपन कर लिया था। अब देखिए इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं के स्क्वायर टू के टू और ये के प्लस सिक्स, फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं तो ये देखिए दो और एक के थ्री के लिख दे रहे हैं, ठीक ना, ये हो गया थ्री के। अब इसका गुणा इसमें कर लेते हैं टू एक थ्री प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस अठारह के प्लस टू के प्लस ये बारह, ठीक ना। इसका गुणा कर लिया तीन छः के। अब देखिए इसको लिखेंगे थ्री के क्यूब प्लस छः सात आठ नौ, तो जरा नौ के स्क्वायर प्लस अठारह दो बीस के प्लस ये बारह, ठीक ना। यहाँ तक तो लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमको के क्यूब है, ठीक ना, तो ये के क्यूब हमको ठीक है, ये के क्यूब लिख लिया, ठीक ना। हम इसका हेल्प लेना चाहते हैं, इसलिए इसको हम इस के रूप में कोशिश कर रहे हैं लिखने का। यहाँ नौ के है और यहाँ छः के है, तो हम यहाँ पर छः के लिख लेते हैं और यहाँ पर हम छः सात आठ नौ, तो यहाँ थ्री के स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, ठीक ना, जोड़ेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो छः और तीन नौ, ये भी काम हो गया और यहाँ आपको छः के स्क्वायर आ गया। यहाँ बीस के है, यहाँ पाँच के है, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, पाँच के लिख लेते हैं, ठीक ना, और यहाँ पर लिख लेते हैं पंद्रह के, पंद्रह पाँच बीस हो गया। और देखिए बारह बचा है, बारह हम यहाँ लिख लेते हैं, बारह यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ गलती लिखा गया है, ठीक ना, ये वाला के लिख देते हैं, ये यम ही रहने दीजिए, यहाँ यम हो जाएगा, ठीक ना। ये तो सीधे यम के पद में लिखा है ये, ठीक ना, सीधे के पद में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा देखिए थ्री एम हो जाएगा प्लस थ्री के स्क्वायर प्लस फिफ्टीन के प्लस ट्वेल्व, ठीक। और अगर अब इसको अगर हम हल करें, देखिए तीन 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 सम में उभयनिष्ठ है, तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा हटा दे रहे हैं इसको,
ये यहाँ से देखिए, इसमें थ्री थ्री कॉमन है तो थ्री निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा यम प्लस यहाँ के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस ये फोर, ठीक ना। देखिए इसके अंदर बचा, तो इसमें से थ्री कॉमन लिया है, तो देखिए इसमें क्या है, इसको हम पूरा डी मान सकते हैं, ठीक ना, जहाँ डी बराबर यम प्लस के स्क्वायर प्लस फाइव के और प्लस फोर, ठीक ना, इसको ले लिया। तो देखिए ये इस रूप में आ गया, देखिए ये यहाँ आ गया, ठीक ना, हमने इसको लेके चला और हम देखिए थ्री डी ले आए और डी यहाँ है, ये पूरा पद हमने डी मान लिया, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए k प्लस वन पद भी सत्य है, और कब सत्य है, जब k p k सत्य होगा, क्योंकि हमने इस p k का ये इसका हमने हेल्प लेके इसको आगे हेल्प मदद लेकर इसको हल किया था, इसलिए जब ये p k सत्य होगा तो तभी ये p k प्लस वन कथन सत्य होगा, ठीक ना। तो लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यम बिलोंग्स टू n, d बिलोंग्स टू n, ठीक ना। तो इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। तो लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पी एन सत्य है, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 हमने हल कर लिया। एक बार हम इसको फिर से हम बता देते हैं, तो देखिए ये रहा पहले दिया हुआ था, लिखा था संख्या 3n का एक गुणज है, ठीक ना। तो गुणज है इसका मतलब कि ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक ना, इसको गुणज है या विभाज्य है सेम मतलब होता है इसका। तो देखिए हमने सबसे पहले इस कथन को पी एन मान लिया और इसके बराबर 3m मान लिया, n के m कर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या रख के देखिए, जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, ठीक ना। अब देखिए n बराबर 1 के लिए ले लिया, तो हमने पदों में n बराबर 1 रख लिया, 1 1 1 रख लिया। देखिए इसको अब हल करेंगे तो 1 1 गुणे 2 2 और 5 1 6 6 2 12, ये 12 आया, इसको हम 3m के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर 4 होगा। तो देखिए ये इस रूप में आ गया, ठीक ना। तो बाया पक्ष हल के चले थे, देखिए दाया पक्ष में आ गया हमको, तो जो सत्य है। अब इसमें देखिए किसी धन पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, तो पूरे कथन को हम के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए के रूप में इसको हमने लिख लिया, ठीक ना, यहाँ गलती से डी लिखा गया था हमको, तो ये जो भी है इसको पहले हम के पद में लिख लिया, ठीक। अब देखिए इसको हमने थोड़ा हल किया है, क्योंकि इसकी मदद हमको आगे जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हमने हल कर लिया। तो देखिए पूरा कोष्टक हमने खोल के ये लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए इसमें यहाँ देखिए गलती हो गया है, ये यम नहीं होगा, ये डी नहीं, यहाँ यम होगा, ठीक ना, गलती से लिखा गया था, ये यम लिखिएगा इसको, ये एम हो गया, ठीक ना। तो इसके बराबर 3m है। अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है। तो देखिए अब k प्लस वन जो लिखा है, तो अब हमने इसको m के स्थान पर यहाँ d माना है, ठीक ना, d जहाँ d बिलोंग्स टू, यहाँ मिट गया, यहाँ लिखेंगे d बिलोंग्स टू n, ठीक ना, d एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए m d 3m भी लिख लीजिए, कोई गलत नहीं है, मगर हमने थोड़ा सा इसको जब ये k के पद में था, n के पद में था, यहाँ k प्लस वन पद में है, तो हमने इसको m के स्थान पर d लिख लिया। अब देखिए इसको अगर हमने हल किया, तो हल करने के पश्चात इतना हमको प्राप्त हुआ था, ठीक ना, इतना प्राप्त हुआ था। अब देखिए जब हम इसकी हेल्प लेंगे, तो देखिए इसको इस वाले को हम इस पदों में व्यक्त किए हैं, जैसे के क्यूब है, देखिए यहाँ गलती हो गया था, देखिए के क्यूब है, ठीक ना, प्लस
अभी 9 के स्क्वायर है, हमको 6 के स्क्वायर था यहाँ पर, तो क्या किया हमने इसको 6 के स्क्वायर लिख कर यहाँ 3 के स्क्वायर लिख दिया, तो 6 × 3 = 9 हो भी जाएगा और यहाँ से हमको इस पद में बन भी गया। 20 के है यहाँ 5 के है, तो हमने क्या किया 5 के यहाँ लिखा, 15 के वहाँ लिख लिया, अब प्लस 12 बाहर वहाँ लिख लिया, इसके स्थान पर हम देखिए 3m लिख सकते हैं, सो हमने लिख दिया। अब देखिए इन तीनों सबों में सभी पदों से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो जो बच गया ये प्राप्त हुआ। तो अब देखिए इस पूरे पद को हम d मान सकते हैं, ठीक है, जहाँ d बराबर ये पूरा पद है। तो देखिए ये हमने, देखिए ये हमने बायां पक्ष लेके चले थे, देखिए dm 3d के बराबर आ गया, दायां पक्ष के बराबर आ गया, कब, जब m बिलोंग्स टू n, d बिलोंग्स टू n है। तो इस प्रकार पी के प्लस वन सत्य है जब कभी पी के सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए कथन पी एन सत्य है। तो देखिए इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 19 हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 20 करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 20 है, तो ये पूरा कथन लिखा है, देखिए ये पूरा चीज़ का संख्या 11 से भाज्य है, ठीक ना, तो 11 से भाज्य इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाज्य है, ठीक ना। तो देखिए इसके पहले बताया था, या तो ये गुणज लिखा होता है, या तो 11 से विभाज्य है, या किसी भी संख्या से विभाज्य है, या पूर्णतः विभाजित है, ये सब सेम मीनिंग होता है इनका। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे माना, पूरा कथन को हम लिख लेते हैं, माना पी एन 10^(2n-1)+1 बराबर 11m, ठीक ना। तो गणित के रूप में लिखना है हमको, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इसलिए इस पर हमने 11m लिखा, जहाँ या जहाँ m बिलोंग्स टू n है ना, प्राकृतिक संख्या है ये, कोई m का कोई भी प्राकृतिक संख्या मान रख लीजिए, 1, 2, 3 रखिए, 4 रखिए, ये संख्या जो भी हमको प्राप्त होगी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी, ठीक ना। अब लिखेंगे माना, सॉरी लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो n 1 मान रख लेते हैं, 1 यहाँ 1 रख लेते हैं, 10^(2×1−1)+1। तो देखिए इसको हल करते हैं, तो ये आएगा 2 × 1 = 2, 2 में 1 कम हुआ 1, मतलब 10^1 आया, प्लस 1 बराबर ये आया 11, ठीक ना, ये 11 आया, इसको हम लिख सकते हैं 11m, ठीक ना। m का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, अगर हम 1 रख देंगे तो 11 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए जब हम बायां पक्ष लिए तो दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, जहाँ यहाँ लिख देते हैं m बराबर 1, ठीक ना, है। तो इस प्रकार n बराबर के लिए सत्य है, तो लिखेंगे जो सत्य है, ठीक ना, तो जो सत्य है, तो n बराबर 1 के लिए हो गया। अब लिखेंगे किसी धन पूर्णांक, किसी धन पूर्णांक k के लिए माना p के सत्य है। तो इस पूरे कथन को हम k के पदों में लिख लेते हैं, तो लिखेंगे p के 10^(2k−1)+1 बराबर ये 11m, ठीक ना। इस पूरे पद को हमने k के पद में लिख लिया। देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है। तो पी के प्लस वन के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर पी के प्लस वन, तो ये हो जाएगा के प्लस वन रखते हैं 10^2, ये हो जाएगा k+1−1+1 बराबर 11, यहाँ पर हम d लिखेंगे, ठीक ना, m नहीं लिखेंगे हम, यहाँ d रखते हैं, ठीक ना, कुछ अलग, तो लिखेंगे जहाँ d क्या होगा, d भी प्राकृतिक संख्या होगा। तो हम देखिए इसको हल करेंगे और हम इसमें इसका मदद लेंगे हम लोग। तो देखिए इसको हल कर लेंगे कितना आ जाएगा, देखिए बायां पक्ष लिख लेते हैं हम,
बायां पक्ष। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 10 ये 2 के प्लस 2 एक कम 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक ना। इसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक ना। तो ये जगह 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं 10 के घात 2 के प्लस 1, प्लस 1 नीचे है, ठीक ना। और इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 10 के घात 2 के और गुणे 10 के घात 1, ठीक ना। घात को अगर हम बांटें तो देखिए सेम आधार, 10 10 की घात 2 की घात के प्लस 1 यहाँ लिख लिया। अगर आप इसको वापस करना चाहें तो आधार सेम होने के कारण इसी घात इसमें जुड़ जाती है, तो सेम चीज़ आएगा। तो इस प्रकार ये 10 यहाँ पर आ गया, प्लस 1 लिख लिया। अब देखिए इसके बाद आपको देखिए इसमें है 2 के घात के 10 के घात 2 के माइनस 1 है, ठीक ना। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए 10 के घात 2 के यहाँ लिखेंगे, 10 की घात 2 से गुणा करेंगे और यही 10 की घात 2 से भाग कर देंगे, और ये 10 जो है ये लिखा हुआ है, ठीक ना, ये प्लस 1 लिखा है, ठीक ना। क्या किया, 10 की घात से गुणा भी किए हैं, 10 की घात से भाग भी किया है, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद हम इसको बनाना चाहते हैं, 10 की घात 1 है तो 2 मत करिए, 1 का ही करिए, ठीक ना, गलती से हो गया, ये हो गया। तो देखिए ये घात ये है, इसका घात 1 होता है, इसका घात 1 होता है। तो जब देखिए ये तो 10 की घात, ये मतलब 10 की घात 100 2 हो जाएगा, या 100 कह लीजिए, ठीक ना। तो और ये जो नीचे से ऊपर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 के गुणे 10 की घात माइनस 1, नीचे से ऊपर किया, और ये जो हो जाएगा 10 की घात मतलब ये 100 लिख लीजिए, ठीक ना, ये प्लस 1, ये पूरा एक कोष्टक में है, प्लस 1 किनारे है। देखिए इसका जब आप आधार सेम है तो घात जोड़ेंगे तो जाएगा 10 की घात 2 के माइनस 1, ठीक ना, और ये गुणे 100 लिखा हुआ है, आई प्लस 1, ठीक। देखिए यहाँ तक तो बन गया, अब हमको क्या चाहिए, प्लस 1। तो क्या करेंगे, हम प्लस 1 भी करेंगे और माइनस 1 भी करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 10 के घात 2 के माइनस 1, अब यहाँ लिखेंगे हम प्लस 1, ठीक ना, प्लस 1 है। तो चाहे तो ये अपना काम प्लस 1 कर देगा, है ना, ये अलग चीज़ है, प्लस 1 और ये माइनस 1 गुड़े ये 100 लिखा हुआ है, हाँ प्लस 1 ये अलग चीज़ है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो अपना काम हो जाएगा, देखिए ये चीज़ जो है, ठीक ना, ये 10 के घात 2 के माइनस 1 प्लस 1, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 11m लिख सकते हैं, ठीक ना। इतना देखिए आपको बनाना होगा ताकि हम इसकी मदद ले सकें। तो ये हो जाएगा 11m, ठीक ना, और माइनस 1 गुणे 100, ठीक ना, अब प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक ना। इसकी मदद ले लिया हमने, 11m लिख लिया। अब कोष्टक खोल देते हैं, तो जब इसका कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1100m माइनस 100 प्लस 1, तो ये तो 1100m ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस 99 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम इसमें से 11 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 11 कॉमन ले लेते हैं, तो 11 कॉमन लेंगे तो जाएगा 100m माइनस 9, ठीक, और ये हो जाएगा 11d मान लेते हैं, और d क्या ले लिया, देखिए यहाँ d बराबर 11m माइनस 9, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे m बिलोंग्स टू n, d बिलोंग्स टू n, ठीक ना, प्राकृतिक संख्या में बिलोंग कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पर 11 है ना, बायां पक्ष में 11 था, दाएं पक्ष में यहाँ भी हमने 11d ले आए। तो इस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार p k प्लस 1 सत्य है, ठीक ना, जब कभी पी के सत्य है, ठीक ना। फिर अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं
यन के लिए कथन पीएन सत्य है, ठीक ना। इस प्रकार पी के सत्य है, जब कभी पी के सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं यन के लिए कथन पी एन सत्य है। तो देखिए इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 20 हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 ये है, इसको भी पूरे कथन को लिख लेते हैं पी एन। माना पी एन एक्स के घात 2n माइनस वाई के घात 2n बराबर से भाज्य है, तो लिखेंगे x प्लस वाई एम, है ना। m कोई गुणज लिख लेंगे, m जहाँ m बिलोंग्स टू n, है ना, प्राकृतिक संख्या है कोई मान लिया। अब इसमें लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो 1 रख लेते हैं 1, और ये हो जाएगा देखिए x के घात 2 गुणे 1 और y 2 गुणे 1। तो इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा x के घात 2 और y के घात 2, और ये फॉर्मूला बन गया। इसको हल करेंगे तो देगा x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक ना। और देखिए किस रूप में बन गया, x प्लस वन, ये m के स्थान पर मतलब m का मान n x माइनस वाई है, ठीक ना। जहाँ डीफी लिखेंगे इसको x प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई और यहाँ पर m लिख सकते हैं, है ना। m क्या है, m यहाँ पर x माइनस वाई है, जहाँ m बराबर x माइनस वाई, है ना, कोई बीजीय व्यंजक x माइनस वाई आ गया। तो इस प्रकार n बराबर 1 के लिए भी सत्य है, ठीक ना। जहाँ n बिलोंग्स टू n, या लिख सकते हैं यहाँ m कोई बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है ना, कोई संख्या नहीं है, कोई बीजीय व्यंजक है। जैसे हमने यहाँ हल किया तो यम का मान क्या आया, x माइनस वाई, जो एक बीजीय है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये बीजीय व्यंजक हमको प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो ये एल्जेब्रिक फॉर्म है, इसलिए यम बिलोंग्स टू एन नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लिखेंगे कोई बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए n बराबर 1 के लिए भी हमने मान लिया, मतलब सत्य हो गया। तो यहाँ लिखेंगे जो कि सत्य है, जो सत्य है, ठीक ना। अब लिखेंगे किसी धन पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, ठीक ना, ये अलग है। तो हम पूरे व्यंजक को पहले क्या कर लें, के पदों में लिख लेंगे। तो लिखेंगे पी के एक्स के घात 2 के माइनस वाई के घात 2 के बराबर एक्स प्लस वाई एम, ठीक ना। यहाँ तक लिख लिया, यन को के पद में लिख लिया। अब लिखेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन सत्य है, ठीक ना, पी के प्लस वन सत्य है। तो लिखेंगे पी के प्लस वन, और यहाँ पर हम k प्लस वन ले लेंगे, तो x के घात 2 और ये k प्लस वन माइनस वाई 2, ये हो जाएगा k प्लस वन बराबर x प्लस वाई, और यहाँ पर अब d लिख लेंगे, है ना। d क्या है, d कोई बीजीय व्यंजक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम बायां पक्ष ले के चलेंगे और दायां पक्ष ले आएंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पर बायां पक्ष, तो बाएं पक्ष में देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं x के घात 2 के और प्लस 2, है ना, गुणा भी करते जा रहे हैं हम लोग, माइनस y 2 के प्लस 2,
लिख लिया इसको हमने ऐसे। अब हम इसको बांट सकते हैं, तो लिख सकते हैं यक्ष घात टू के गुड़े यक्ष घात दो माइनस वाई घात टू के गुड़े वाई की घात टू, इस प्रकार भी ले सकते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसकी मदद लेना चाहते हैं तो हम इसको इस रूप में बनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यक्ष घात टू के तो मिला है हमको, हमको बस माइनस वाई घात टू के चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं यक्ष घात टू के, यहाँ लिख लिया, फिर लिखेंगे देखिए माइनस वाई की घात टू के, ये हमने घटाया तो हम इतना ही जोड़ देते हैं, है ना, कोई फर्क पड़ा नहीं। और ये है, और इसको लिख लेते हैं हम यक्ष घात दो माइनस वाई की घात टू के प्लस टू रहने देते हैं इसको, इसको तोड़ के भी मतलब नहीं लग रहा है, या तो लिखे रहिए बाद में जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे, ठीक ना। तो y की घात 2 हो गया। अब देखिए इसके स्थान पर, ठीक ना, ये जो मिला हमको, ये मिला, देखिए क्या मिला हमको, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर x प्लस वाई एम, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई एम प्लस, इसको लिख लेते हैं y की घात 2 के, और ये पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट, और ये हो गया x से घात 2 माइनस y की घात 2 के और y की घात ये 2 आ गया, ठीक ना। अब हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए इसका गुणा हम अंदर कर दे रहे हैं दोनों पदों में, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई एम और x के घात 2, तो x घात 2 यहीं लिख दे रहे हैं, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे y 2 यक्स 2, ये k है, ये हो गया, देखिए y के पावर 2 के और यक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका ये जो है उसको लिख लेते हैं 2 के और y की घात 2। अब इसमें से इनमें से देखिए कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये तो लिखा हुआ है यक्स स्क्वायर यक्स प्लस वाई एम, ठीक ना, यहाँ पर ले लेते हैं, देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं y के घात 2 के कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर और यहाँ बचेगा y स्क्वायर, ठीक ना। तो x स्क्वायर x प्लस वाई एम प्लस y के पावर 2 के और ये है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो इसको ले सकते हैं x प्लस वाई x माइनस वाई। तो इन दोनों पदों में देखिए x प्लस वाई कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं x प्लस वाई, और देखिए यहाँ क्या बच रहा है उसको लिख लेते हैं, ये बचेगा x स्क्वायर m प्लस y 2 के और ये बचा x माइनस वाई, ठीक ना। तो देखिए इसको बड़ा ब्रैकेट डाल लेते हैं, तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम x प्लस वाई, और इसको हम d मान सकते हैं, जहाँ d बराबर क्या है, ये x स्क्वायर m प्लस वाई टू के और ये x माइनस वाई है, ठीक ना। तो लिखेंगे m बिलोंग्स टू n, d बिलोंग्स टू n, या कोई बीजी व्यंजक, है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार p k प्लस वन सत्य है जब कभी p के सत्य है, ठीक ना। तो इसके बाद लिख देंगे, देखिए इसके नीचे लिखना होता है, तो इसको मैं यहीं ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको हटाकर लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए कथन pn सत्य है, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार प्रश्न नंबर 21 हल हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 22 है, तो लिखा ये चीज़ 8 से विभाज्य है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे माना पी एन 3 के घात 2
2n+2 माइनस 8n-9 बराबर 8m लिखेंगे, जहाँ m बिलोंग्स टू n, है ना, कोई प्राकृतिक संख्या है। अब लिखेंगे n बराबर 1 के लिए, तो 1 रख लेते हैं, 3^2 × 1+2 −8 × 1 −9। तो देखिए क्या आएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 3^4 −8 −9। तो देखिए भैया, 3^9 = 81, −8 × 2 = 16, 1 = 17। इसको घटा लेते हैं, 7 × 4 = 11, 1 + 1 = 2, 6 = 64 आया, ठीक ना। अब देखिए इस 64 को हम लिख सकते हैं 8 × m, ठीक ना। तो 8m है, मतलब m का मान क्या होगा यहाँ पर, जहाँ m बराबर 8, है ना, जब 8 मान रखेंगे तो 8 × 64, तो ये इसके बराबर, देखिए सही हो गया। हम बायां पक्ष लेके चले, देखिए दायां पक्ष हमको 8m के रूप में प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे जो सत्य है, ठीक ना। तो अब लिखेंगे किसे धन पूर्णांक के लिए माना पी के सत्य है, तो पूरे पद को हम के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखते हैं पी के 3^2 + 2 −8 − 9, ठीक ना, बराबर 8m, ठीक ना। तो फिर लिखते हैं, या तो यहाँ पे देखिए फॉर ऑल भी लिखते हैं, फॉर m बिलोंग्स टू n, ठीक ना। अब हम सिद्ध करेंगे p k+1 सत्य है, ठीक ना। तो p k+1 लिख लेते हैं, k+1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखा 3 × 2 k+1 + 2 −8 k+1 − 9 बराबर 8, यहाँ d मान लेते हैं, ठीक ना, कुछ अलग कर लेते हैं, m है तो यहाँ d लिख, फॉर d बिलोंग्स टू n, या जहाँ d प्राकृतिक संख्या है। इसको हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या आ जा रहा है, इसको हम लिख लेते हैं बायां पक्ष, ठीक ना, बायां पक्ष को लेके चलेंगे और दायां पक्ष ये हमको लेकर आना होगा। तो इसको हल कर लें, देखिए क्या जाएगा, 3^2 k + 2 + 2, है ना, मतलब 4 हो गया, ये 4 लिख देते हैं यहाँ पर, ये 4 है, ठीक ना, 2 × 2 = 2, हाँ ठीक है, प्लस माइनस में है, −8 k − 8 − 9, तो इसको हो जाएगा 3 × 2 k / 3 / 4 −8 k − ये हो जाएगा 8 × 2 = 16, 1 = 17 हो जाएगा, ठीक ना, हाँ ठीक है। अब हम इसको, इसका हेल्प लेंगे, तो देखिए क्या कर लेंगे, इसको बनाने के लिए हम इसको 3^2 लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर ये जो था 2 + 2 ही रहने देते हैं, हमको ये प्राप्त करना है, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो यहाँ ले लें, प्लस 2 ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 3^2, ये 2 अलग कर लिया, ठीक ना, यहाँ तक तो लिख लिया, हमको ये चाहिए था इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, और 3^2 ये वाला जो है ये हमने छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 2 k + 2, ठीक, अब हम −8 k करेंगे और −9 करेंगे, तो जितना किया है उतना ही प्लस में कर लेंगे, +8 k + 9, ठीक, और ये रहा 3^2, ये रहा, इसी में बस हमने इतना किया है, −8 k + −17, ठीक ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये था, हमको ये हेल्प लेना था इसलिए हमने −8 k - 9 यहाँ ऐड माइनस किया, तो नहीं जोड़ भी दिया है, ठीक ना, और ये 3^2 यहाँ लिखा है −8 k - 17,
तो अब हम देखिए इसके स्थान पर देखिए आया ना, तो यहाँ पर हम 8m लिख सकते हैं, 8m प्लस 8k प्लस 9 गुणे, ये 9 लिखा हुआ है, 3 इकाई 9, ठीक ना, 8k माइनस ये 17 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, देखिए पूरा हल करेंगे कितना आएगा, 8 नवा 72 एम प्लस 8 नवा 72 के प्लस 9 नवा 81 माइनस 8k माइनस ये 17, ठीक ना, एम 72 एम प्लस, यहाँ देखिए 72 में 8 गया तो ये कितना आ जाएगा, 66 67 68 69 70, ये हो जाएगा, ये 8 हटेगा तो 2 यहाँ से, 6 यहाँ से जाएगा तो 64 आ जाएगा के, अब माइनस 81 में 17 गया, 64 ही आएगा, हाँ 64 ही आएगा, ये हो गया, इसको हल कर लिया, इसको 64, ठीक ना। तो इस प्रकार 72 माइनस 8 64 और ये, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 8 कॉमन ले ले रहे हैं, तो 8 नवा 72 8 अठाई 64 8 अठाई 64, तो इस प्रकार हम इसको ले सकते हैं 8D, जहाँ D बराबर 9m प्लस 8k और प्लस 8 है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसको ले लिया, तो लिखेंगे m बिलोंग्स टू n और D बिलोंग्स टू n, ठीक ना। तो यहाँ तक हो गया, इसके नीचे लिखेंगे हम लोग इस प्रकार, लिखेंगे इस प्रकार पी के प्लस 1 सत्य है, ठीक ना। देखिए ये 8D के बराबर हम ले आए हैं, इसको सत्य है जब कभी पी के सत्य है, लिखेंगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सभी प्राकृतिक संख्याओं n के लिए कथन Pn सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 22 हमने हल कर लिया।